देश के भविष्य निर्माण में शिक्षकों की विशेष भूमिका रही। ऐसे में शिक्षक दिवस के अवसर पर निरंतर बराई समाज के उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करके उनका हौसला अफजाई की है। हम आपको बता दें कि बच्चे की नींव मजबूत करने के लिए माँ के बाद गुरु का विशेष योगदान माना जाता है। इसी कड़ी में समाज विगत वर्षों से सम्मान शिक्षकों का करता आ रहा है। इस दौरान जिलाध्यक्ष विजय कोचले ने सरकार से गुजारिश की है कि प्रशासनिक स्तर पर भी आयोजन के माध्यम से शिक्षकों का सम्मान करें, ताकि आने वाले समय में शिक्षक भविष्य को बनाए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। साहब, ये आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस का अवसर है और इस राष्ट्र को निर्माण में जो है शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। शिक्षक किन्हीं भी परेशानियों का सामना करते हुए अपना जो कर्तव्य है उसको भली भांति निभाता है। हर कठिनाई का सामना करते हुए वो अपने काम में जो है लगातार लगा रहता है। और इस देश में जितने भी कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक का जो है जो बनाया है वो शिक्षकों ने बनाया है। और उन शिक्षकों का जो है सम्मान नहीं हो पाता है, ये शासन प्रशासन को चाहिए कि आज के दिन जो है शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, तो वो नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे संगठन में ये चर्चाएं हुए और पिछले 2-3 साल से हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं कि शिक्षकों को सम्मान मिले जो इतनी मेहनत करके इस राष्ट्र के निर्माण में इतना योगदान देते हैं। इसलिए जो है हम लोग ये शिक्षक दिवस पर ये हमेशा शिक्षकों का सम्मान समारोह का आज कितने शिक्षकों का सम्मान किया गया? आज लगभग यहाँ 25-40 शिक्षकों का सम्मान हुआ है। और आज क्या है कि हमारे कुछ साथी जो है नीमच की जो घटना हुई है वहाँ चले गए, तो कुछ शिक्षकों की कमी रही है। और आज शिक्षक दिवस पर भी ऊपर वाला भी मेहरबान हुआ और बढ़िया आज पानी की जो पूर्ति होना थी वो करवा दी है। क्या नाम है आपका? विजय कोचले, संस्थापक एवं जिला अध्यक्ष, निरंतर भलाई समाज सेवा संगठन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।